नर्मदा के पावन किनारे धर्मपुरी के भेंट से एक गुप्त गुफा मांडवगढ़ की ओर जाती है और इसी स्थान से माता नर्मदा की एक जलधारा मांडवगढ़ की ओर जाती है। रानी रूपमती की भक्ति के आधार पर माता नर्मदा का मांडवगढ़ में प्रादुर्भाव हुआ है। रानी रूपमती धर्मपुरी की राजन की बेटी थी, ब्याह हुआ, मांडवगढ़ चली गई। बचपन से ही माता नर्मदा के जल में स्नान करना, जल का पूजन करना और नित्य नर्मदा दर्शन करने का नियम जो बना था। विवाह के बाद राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए मांडवगढ़ से धर्मपुरी के भेंट नर्मदा किनारे तक एक गुप्त गुफा बनाई, गुप्त मार्ग बनाया और इसी गुप्त मार्ग से रानी रूपमती नित्य नर्मदा स्नान करने के लिए आती। बचपन से भक्ति करते करते रानी रूपमती युवा अवस्था में आई। विवाह बाद राजन ने गुप्त गुफा बनाई। कई वर्ष बीते, स्नान करते करते रानी रूपमती की वृद्ध अवस्था आई। एक दिन रानी रूपमती मां नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए गई तो जब नर्मदा की घाटी को चढ़ने लगी तो घुटनों में दर्द होने लगा, शरीर में थकान महसूस होने लगी। उसी समय रानी रूपमती मां नर्मदा के किनारे बैठ गई और मां से प्रार्थना करी, मां तेरी बेटी रानी रूपमती जो बचपन से तेरी आराधना कर रही, भक्ति कर रही, हे मां बचपन से लेकर आज वृद्धावस्था तक तेरे जल का मैंने स्नान किया, तेरे जल का दर्शन किया, तेरे जल का पूजन किया। मां अब मेरी वृद्ध अवस्था आ गई, शरीर थक गया है मेरा, आज का तेरे जल में मेरा आखिरी स्नान और आखिरी प्रणाम, आखिरी दर्शन। इतना कह के रानी रूपमती पुनः गुप्त गुफा से, गुप्त मार्ग से अपने मांडवगढ़ की ओर आई। शरीर थका, तभी रानी रूपमती ने माता नर्मदा से ऐसी प्रार्थना करी और यही अवस्था हर मानव की आती है। इसलिए कहते हैं कि जब तक शरीर में शक्ति है, क्योंकि शक्ति से ही भक्ति होती है, जब तक हमारा शरीर चलायमान है, हमारे शरीर में ऊर्जा है, तब तक भगवान की भक्ति कर लेना। इसलिए संत कहते हैं राम का नाम भज, शिव का नाम भज, भजलो भोला भंडारी, और माथे के बाल सफेद हो जाए तो समझ लेना कि पहला नोटिस आया है सरकारी। राम का नाम भज, शिव का नाम भज, भजलो भोला भंडारी, और माथे के बाल सफेद हो जाए तो समझ लेना कि पहला नोटिस है सरकारी। दूजा कान सुने जब कमती, ये वृद्ध अवस्था के भगवान हमको नोटिस पहुंचा रहे हैं कि दूजा कान सुने जब कमती, नजर जोत जाए मारी, टूटे दांत और कमर झुक जाए, समझ लेना कि पूरी तैयारी। फिर क्या होगा, फिर ले जाएंगे हम दूत पकड़कर, नरक बीच देंगे डारी, कहे संत तूने भजन ना करे और व्यर्थ जिंदगी खो डारी। संत वाणी हमें उपदेश देती है, हर ग्रंथ, हर पंथ और हर संत हमें भगवान का भजन करने के लिए अग्रसर करती है, और यही भजन, यही ईश्वर का नाम हमें उस ब्रह्म की प्राप्ति कराएगा। तो जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक हम भक्ति कर सकते हैं। जब रानी रूपमती की शक्ति क्षीण होने लगी तब माता नर्मदा से उसने प्रार्थना करी, मैया आज तेरे जल में जो मैंने स्नान किया है वो आखिरी स्नान है, आखिरी दर्शन,
इतना कह के रानी रूपमती गुप्त गुफा से अपने मांडवगढ़ की ओर गई। रात्रि विश्राम किया। उसी रात्रि में रानी रूपमती को माता नर्मदा ने स्वप्न में दर्शन दिया। कहा, बेटी बचपन से तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक तूने मेरे जल में स्नान किया, पूजन किया, दर्शन किया, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज तेरे स्वप्न में तुझे दर्शन दे रही हूं। तेरे महल के झरोके के पास एक कुंड खुदवाना और मेरा एक लोटा जल उसमें डाल देना, मैं तेरे मांडवगढ़ में प्रकट हो जाऊंगी। दिए गए स्वप्न अनुसार रानी रूपमती ने मांडवगढ़ में अपने महल के झरोके के पास एक कुंड खुदवाया और माता नर्मदा का एक लोटा जल डाल दिया, जिसमें माता नर्मदा प्रकट हो गई, जिसको रेवा कुंड कहते हैं। और आज भी वह रेवा कुंड वहां विद्यमान है। जो कोई भी परिक्रमावासी हो, चाहे वो पैदल हो, वाहन से हो, रानी रूपमती के मांडवगढ़ तक जाते हैं, रेवा कुंड में स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं और पुनः नर्मदा किनारे आते हैं। और माता नर्मदा उस रेवा कुंड में विद्यमान इसका प्रमाण है कि जब माता नर्मदा के किनारे पर वर्षा होती है, माता नर्मदा का जल मटमीला हो जाता है। तो जिस प्रकार मां नर्मदा का जल मटमीला होता है, वही जल का रंग भी वहां मटमीला हो जाता है रेवा कुंड में। फिर चाहे मांडवगढ़ में वर्षा हो चाहे ना हो, इसका प्रमाण है कि माता नर्मदा वहां विद्यमान है। और उस रेवा कुंड के जल का हम पान करते हैं तो माता नर्मदा के जल जैसा स्वाद लगता है। माता नर्मदा वहां विद्यमान, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज। ये रानी रूपमती की भक्ति थी जो माता नर्मदा को अपने अपने निज निवास स्थान तक माता नर्मदा को ले गई महाराज। ऐसे एक नहीं, अनेक भक्त माता नर्मदा के हुए, जिन्होंने अपनी भक्ति के आधार पर अपने अपने इष्ट देवताओं का प्रादुर्भाव किया। ऐसे ही रानी रूपमती ने माता नर्मदा का प्रादुर्भाव मांडवगढ़ में किया रेवा कुंड के माध्यम से।